बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फैमिली, होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ द रिएक्शन वीडियो अगेन और आप सभी का वेलकम है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी एक चैनल के बारे में कि जिन्हें सितारा ने सबसे लास्ट में शाउट आउट दिया और वो आजकल काफ़ी एक्टिव हैं, तो मैं उनके चैनल का एक रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपसे बताना चाहती हूँ कि एज अ यूट्यूबर वो कैसी यूट्यूबर हैं और मैं उन्हें कब से देख रही हूँ और उनके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है उनके कंटेंट को लेकर, उनके चैनल को लेकर। तो मैं ज़्यादा बात कभी नहीं करती, आपको बताती हूँ कि मैं हरम इकरा के बारे में बात कर रही हूँ। और हरम इकरा की जो वीडियो है वो मेरे सजेशन में आई थी अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ पहले, जबकि ये सितारा के हस्बैंड की बारात वगैरह का इशू चल रहा था। तो उस टाइम उन्होंने 2 वीडियोस अपलोड की थी अपने कज़न के साथ बैठकर, वो कुछ डिटेल्स दे रही थी सितारा के हस्बैंड की शादी के हवाले से और बता रही थी। इस तरह उन्होंने 2 वीडियोस अपलोड की थी, तो मैंने उनकी वो दोनों वीडियोस देखी थी और उन्हें कमेंट्स भी किए थे, जिसका उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिसेंटली रिप्लाई उस टाइम किया था। मैंने ये देखा था कि लोग उनकी वीडियोज़ पर कुछ ऐसे कमेंट्स भी लीव कर रहे थे कि जो किसी तरह से सही नहीं थे। आई एम श्योर हर एक का अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, किस तरह से वो वीडियो को देखता है लेता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो एक लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं। और यहाँ पर जो एक आम प्रैक्टिस है ना, वो ये है कि अगर आपको किसी भी औरत को प्रेशराइज करना है या उसको आपको अंडर प्रेशर लेना है, तो आप सीधा उसके कैरेक्टर पे बात करते हैं। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है और यही प्रैक्टिस मुझे आजकल हरम की वीडियोस के कमेंट बॉक्स में नज़र आ रही है, जहाँ पर 1-2 मेरी नज़रों से ऐसे कमेंट गुजरे जिन्हें पढ़कर बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह की सोच है लोगों की। आपको देखें, डिफरेंस है आपका किसी के कंटेंट के साथ, किसी के काम के साथ जो उसने जिस हद तक अपने चैनल पर पब्लिक किया है। और तो आप ज़रूर अपनी राय दें, मगर अगर उसका कैरेक्टर कहीं से भी शो नहीं हो रहा, तो आप उसके कैरेक्टर पे फिंगर आउट नहीं करें। और अगर वो भी रहा है, तो कैरेक्टर पर उंगली उठाना आपका काम नहीं है, इससे पीछे रह के आप बात कीजिए। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि हरम जो है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं और उनकी वीडियोज़ हैं जिस तरह दीकर मेकअप आर्टिस्ट टिप्स बताती हैं, उनकी भी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली एक रेमेडी शेयर की, तो मुझे उसका थोड़ा जो थंबनेल है ना वो थोड़ा आउट लगा, तो मैंने कमेंट लीव किया। तो उस कमेंट पर भी कुछ रिप्लाई आए थे जो कि अब वहाँ मौजूद नहीं है और वो रिप्लाई बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे। तो इस तरह के आप लोग कमेंट्स खुदारा उनके चैनल पर ना करें। वो आई एम श्योर कि सब लोग ही यहाँ पर ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह वो ग्रो कर जाएं। और अब जब उन्हें सितारा ने शाउट आउट दे दिया है और पता नहीं उनकी उनके साथ क्या बात हुई है, किस तरह से वो इन चीज़ों को लेकर अब अपने चैनल पर आ रही हैं, तो लाजमी सी बात है उनके नज़दीक भी यही होगा कि किसी तरह उनका चैनल भी बूस्ट पकड़े। हालांकि वो अपने एक वीडियो में कह चुकी हैं कि उनके पास इतने प्रूफ्स हैं कि अगर वो लाएं तो प्रूफ्स जो है बहुत अप चले जाएंगे, मगर उनकी जो रिस्पेक्ट लेवल है वो नीचे आ जाएगा। वो ये चाहती हैं कि वो अपना रिस्पेक्ट लेवल जो है उसे ऊपर रखें और बेशक व्यूज़ कहीं पे भी चले जाएं। तो उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी और मैं आपसे कहना चाहती हूँ हरम, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचती है कि आप प्रूफ्स के चक्कर में और किसी को सही साबित करने के चक्कर में और इसी कोशिश में कि हो सकता है उनके व्यूअर्स आकर आपको देख लें और उनके सब्सक्राइबर्स आपको सब्सक्राइब कर दें, तो मैं ये समझती हूँ कि आप एक लिमिट में रहकर ये चीज़ें कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना टाइम के साथ क्लियर हो रही हैं। कहीं ऐसा ना हो हरम, आप इतनी अच्छी हैं, इतनी नाइस हैं, आपका चैनल अच्छा है, तो आप कि जो एक इमेज है वो कहीं डावाडोल हो जाए और मुझे बहुत रियली बुरा लगेगा अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस तकरीबन उसी वक्त से देख रही हूँ जिस वक्त आपका चैनल मेरे रिकमेंडेशन में आया था।
और आपका एक और चैनल भी है कुकिंग विद हरम, उस पर भी आपकी जो रेसिपीज होती हैं वो भी मैं देखती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है आपकी वीडियो देखना। तो मेरी एज अ सब्सक्राइबर, एज अ व्यूअर, आपसे एक ये मैं कहूँगी कि आप अपना जो लेवल है, जो आपका अपना काम का तरीका है, उस तरीके को फॉलो करें। अपने चैनल पर जो आपने एक ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, और जो कुछ आप कर रही हैं ये काम आपका नहीं है, ये काम साजिद साहब का है, वो इसे बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो एक ये सिंसियर सजेशन थी आपके लिए, बाकी गुड लक। आपका काम अच्छा है, आप खुद अच्छी हैं और आप सिंसियर हैं, क्योंकि आप अपनी रेमिडीज विद इंग्रेडिएंट्स और तमाम जो रेशियो है उसके साथ शेयर करती हैं, ताकि देखने वालों को भी फ़ायदा हो और वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करे। तो गुड लक, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।